हेलो एंड वेलकम बैक योर थैंक्स अलॉट हमारे वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए, लव यू ऑल योर। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अब प्रेगनेंसी चाहते हैं और वो अपना ध्यान भी रख रहे हैं, आयरन की भी सप्लीमेंट ले रहे हैं वो, और साथ ही साथ पीरियड रेगुलर करने के लिए कोई सिरप भी ले रहे हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इसमें सबसे पहला तो आपको एक अपना HB टेस्ट जरूर कराना चाहिए, जिसको हीमोग्लोबिन टेस्ट कहते हैं महिलाओं के लिए, तो वो एक आप टेस्ट जरूर कराइए, जिससे आपको एग्जैक्ट पता रहे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। साथ ही साथ एक थायराइड का टेस्ट जरूर कराइए, जो T3, T4 और TSH का है, तीनों को जरूर कराइए, और उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है रिपोर्ट्स में लिखी होती है, अगर उतनी है दैट इज ओके। उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसका तो डेफिनेटली मतलब यह हुआ कि फिर आपका जो मीटिंग का टाइम है अपने पार्टनर से वो सही समय पर नहीं है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, अभी उसका लिंक मैं इस आई बटन पर दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए, जिसमें आपके पीरियड के कितने दिन के अनुसार मैंने उसमें डेज बताए हैं। अगर आप उन डेज को टारगेट बना लेंगे तो परफेक्ट दिनों में आप मिलेंगे और प्रेगनेंसी डेफिनेटली कंसीव हो जाएगी। साथ ही साथ जो महिलाएं 35 प्लस में है तो उसमें कभी कभी सीरप अच्छे से काम नहीं कर पाते, ऐसे में पीरियड्स को रेगुलर करना बहुत जरूरी होता है, और रेगुलर करने के लिए कुछ हार्मोनल टैबलेट चलाई जाती हैं, तो उसको पूरी सारी चीजें देखकर फिर उनको सजेस्ट किया जाएगा। वेल, अगर यंग एज है, यंग एज में इतना काफी है कि आप एक सीरप ले रहे हैं पीरियड को रेगुलर करने के लिए, तो इसमें बस ये चीज जरूरी है कि आप सही समय पर अपना कॉन्टैक्ट बनाइए और ये जो दो जांचें मैंने बताई इनको करिए और उस दिनों को टारगेट बनाइए, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा या आप आई बटन पर उसको देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी का सेव हो जाएगी, चिंता की बात।